दिवाली के दिन इसे लाना ना भूलना, जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों 2024 में जो दिवाली पड़ रही है बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार भगवान विष्णु जी को समर्पित है, साथ ही साथ ये गुरुवार के दिन दिवाली यानी कि माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का अच्छा दिन है, क्योंकि दोस्तों इस बार दीपावली का पावन पर्व 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। तो इस दिन भगवान गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी महाराज जी की धन प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है, और ये समय बड़े मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने घर में रखते हैं, आज के दिन घर में स्थापित करते हैं दीपावली के दिन, दीपावली या फिर धनतेरस के दिन, तो निश्चित ही दीपावली या धनतेरस के दिन किसी भी टाइम में आप ये ला सकते हैं। यदि ला करके पूजा स्थान पर पूजा करने के बाद अगर धन पेटी पे रखेंगे तो आपका घर हमेशा अन्न धन से भरा रहेगा। इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले, उपाय मिले, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक तुरंत कर दें। तो पहले नंबर पर आता है तांबे के कमल में बैठी मूर्ति या फिर कमल में बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये दीपावली के दिन घर में ला करके अवश्य स्थापित कर लें। अगर आपने धनतेरस में खरीद लिया है तो दीपावली में इसकी आप पूजा जरूर करें, लेकिन बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए माता जी, यानी कि माता जी जो रहेंगी बैठी हुई मुद्रा में रहेंगी, साथ में अगर गणेश जी भी हैं तो अति उत्तम है। अन्य धन की बढ़ोतरी होती है इसमें, क्योंकि स्थायी रूप से माता लक्ष्मी जी बैठ जाती हैं आपके घर में, तो बैठी हुई मुद्रा में ही आप मूर्ति लाइए, उनकी मिट्टी की मूर्ति कैसी भी आप यानी उनकी लाकर अपने घर में स्थापित करें। दीपावली के दिन एक मिट्टी का कलश लेना है और उसमें चावल से भर देना है, चावल पर 1 रुपए का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ डाल करके आपको ढक देना है, फिर किसी भी योग्य ब्राह्मण को आप इसको दे सकते हैं। इससे अचानक धन मिलता है, कर्ज का भार उतर जाता है। तीसरा प्रयोग करें, अगर आपको सफलता चाहिए, हर कदम में पैसा चाहिए आपको, हर कार्य आपके बन जाए, तो देवी लक्ष्मी जी को कौड़ी जरूर चढ़ाएं, बाजार में इस दिन खरीद कर लाएं और माता लक्ष्मी जी को आप अर्पित कर दें, माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अगर आप धनतेरस के दिन लाए हैं तो इसे दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी को चढ़ा दें, समर्पित कर दें, अर्पित कर दें, साथ ही साथ कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं। दीपावली के दिन केले के पेड़ पर हल्दी का टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियाँ इसमें विराजमान रहती है, तो इनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ केले के पेड़ की जो जड़ होती है, इसको जड़ को जरूर अपने घर पर लेकर आएं। दोस्तों केले की जड़ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी जी होती हैं, इसलिए दीपावली के दिन आप केले को आप पहले पीली हल्दी लगाएं, टीका लगाएं, फिर आप केले के पेड़ की जड़ लेकर आइए और इसे पीले कपड़े में लपेट कर आप रखिए और अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा, जहाँ पर धन पेटी है, अलमारी है, वहाँ पर रखिएगा केले के पेड़ की जड़ को। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, गरीबी आपके घर का रास्ता छोड़ देगी और जन्मों जन्मों की आपकी जो गरीबी है, निर्धनता है, दूर हो जाएगी। साथ ही बेल वृक्ष, दोस्तों बेल का वृक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो बेल वृक्ष की पूजा इस दिन जरूर करें, और साथ ही अगर आप धन संपन्नता चाहिए तो आप बेल वृक्ष की जड़ भी जरूर इस दिन लेकर आएं। अगला उपाय करें, 2 चूड़ी 1 फीता लाल कपड़ा चुनरी, इससे बेल वृक्ष पर आप बांधने से या पीपल वृक्ष पर बांधने से या फिर तुलसी के पौधे पर अगर आपने बांध दिया तो जीवन में चल रही परेशानी, मुकदमा वगैरह या जीवन में आपको लक्ष्मी से संबंधित परेशानी है, हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। लक्ष्मी चरण पादुका हो सके तो दीपावली के दिन घर में ला करके अवश्य स्थापित करें, इससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से जड़ हैं जिसे घर में ला करके स्थापित करने से हमारे घर में अन्य धन से भरे रहते हैं।
तो दोस्तों इस जड़ को जरूर लाएं। पहला है केले का जड़, केले की जड़। दूसरा है अगर आप चाहें तो सीताफल भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन केले की जड़ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का विराजमान रहती हैं, इसलिए आप केले के पेड़ की जड़ को लेकर जरूर आएं। और सीताफल की जड़, मित्रों ये दोनों ही एक ऐसे जड़ हैं जिसे अगर आप अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं तो सारा घर अन्न धन से भरा रहेगा, क्योंकि केले का पेड़ विष्णु जी का स्वरूप है और सीताफल माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो केले का फल और सीताफल ये दोनों ही जड़ घर में लाकर गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर या धन के स्थान पर रख देना। सारी उम्र आप अन्न धन से भरे रहेंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगी। तो आप कोई भी इनमें से जड़ लेकर आ सकते हैं, या फिर लड़जीरे का पौधा आपने देखा होगा तो लड़जीरे का पौधे की जड़ भी अगर आप लेकर आते हैं तो ये भी बहुत ही उत्तम है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आप जड़ लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।